बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू ट्रीट साइकोलॉजी चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम परसेप्शन के बारे में है। जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि परसेप्शन की तकरीबन चार टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइम परसेप्शन पे है। और अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं जो मैंने पहले डिस्कस की हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी और या फिर आई बटन में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये थोड़ा सा टाइम परसेप्शन को डिस्क्राइब किया गया है कि एक्चुअल में टाइम परसेप्शन होता है क्या है। टाइम परसेप्शन इज़ अ फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन अवेयरनेस। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम मिसाल लें तो टाइम परसेप्शन जो है वो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते रहते हैं। जैसा कि हमारे सारे काम जो हैं वो वक्त पे होते हैं, जागना, सोना, पढ़ना, नमाज अदा करना, ये हमारी तमाम जो है परसेप्शन है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल होता रहता है। हम किसी भी काम को करने से पहले टाइम को ज़रूर देखते हैं। जैसा कि स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले हमने देखना होता है कि क्या टाइम है और किस टाइम पे हमने जाना है। एक रूटीन चल रही होती है हमारी। टाइम की अवेयरनेस को हम कहते हैं जी टाइम परसेप्शन। उसके बाद टाइम परसेप्शन की फर्स्ट टाइप आ जाती है टाइम ओरिएंटेशन। द टाइम ओरिएंटेशन इज़ अ अनकॉन्शियस येट फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस दैट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल एक्सपीरियंस इन अटोम्पल कैटेगरीज ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी कि फ़र्द जो किसी भी चीज़ का या वक्त का जब कॉन्शियसली तौर पर एहसास होता है या उसके एक्सपीरियंस के तौर पर वो वक्त को जान लेता है, तो इस चीज़ को कहते हैं जी टाइम ओरिएंटेशन, यानी एहसास वक्त उर्दू में से कहा जाता है। और इसका इन्हिसार फ़र्द की कुव्वत फ़ैसला और इसके अंदाज़े पर होता है। कुछ लोग इजीली टाइम को परसीव कर लेते हैं किसी वाक़या या माहौल के तहत और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को कहते हैं जी टाइम ओरिएंटेशन। आगे इसकी दो टाइप्स हैं, शॉर्ट इंटरवल्स एंड लॉन्ग इंटरवल्स। शॉर्ट इंटरवल, आ शॉर्ट इंटरवल टिपिकली रेफर टू दिस ब्रीफ टाइम पीरियड। द स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम दैट कंटिन्यूज अ शॉर्ट इंटरवल कैन वरी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्ट इन विच इट यूज्ड। कुछ टाइम के वक्फे छोटे से होते हैं, लेकिन हमारी कुछ तिबी हालत की वजह से या हमारे कुछ इमोशंस की वजह से हमें वो छोटे से वक्फे काफ़ी लंबे लगते हैं। तो उसकी मिसाल इस तरह से लें कि जैसा कि किसी भी बुखार में या दुख में हमें लगता है कि टाइम वहीं ठहर गया है, गुज़र ही नहीं रहा, तो इस चीज़ को कहते हैं शॉर्ट इंटरवल। या एक मिसाल और ले लें कि किसी का वेट कर रहे हैं आप, अपनी स्कूल बस का वेट कर रहे हैं तो वो अभी तक नहीं आई, तो हमें वो 15 मिनट्स भी काफ़ी लंबा अरसा लग रहा होता है। तो इस चीज़ को हम परसीव कर लेते हैं कि एक छोटा सा वक्फ़ा हमारे लिए काफ़ी लंबा लग रहा होता है। लॉन्ग इंटरवल, अ लॉन्ग इंटरवल टिपिकली रेफर टू द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। अगेन द स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम दैट कंटिन्यूज अ लॉन्ग इंटरवल कैन बी वेरी डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्ट इन विच इट यूज्ड। यानी कि ये जो वक्फे होते हैं टाइम के, चंद मिनटों के भी हो सकते हैं, घंटों के भी, दिनों के भी, हफ्तों, सालों, महीनों के हो सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं। जैसा कि मिसाल ले लें कि दिन और रात, मौसमों का बदलना, हमारा बचपन से जवानी की तरफ जाना, बुढ़ापे की तरफ, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट, ये तमाम चीज़ें लॉन्ग इंटरवल का हिस्सा होती हैं। यानी कि हम उसे इस तरह से परसीव करते हैं और तवील वक्फों को हम जो परसीव करते हैं उस चीज़ को कहते हैं लॉन्ग इंटरवल। उसके बाद आ जाते हैं टाइम पर्सपेक्टिव। द टाइम पर्सपेक्टिव रेफर टू द वे विच इज़ इंडिविजुअल परसीव द एक्सपीरियंस टाइम। इट इन्वॉल्व इंडिविजुअल एटीट्यूड, बिलीव्स एंड बिहेवियर रिगार्डिंग टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हर पर्सन में वक्त का अंदाज़ा लगाने की एक फितरी तौर पर सलाहियत मौजूद होती है, इसलिए हम वक्त को मुख्तलिफ अदवारों में तकसीम कर देते हैं। हालिया वक्त यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हम उसे डिवाइड करते जाते हैं। तो वक्त की इस तकसीम को हम कहते हैं जी टाइम पर्सपेक्टिव। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे मेल पे या कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं, किस टॉपिक पे, मुझे बता दीजिएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।